हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका रेसिपी। आज पता मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? टेस्टी टेस्टी सी चटनी, और वो भी पता है कौन सी? डोसे के साथ खाने वाली चटनी, कोकोनट चटनी और प्याज टमाटर की चटनी, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स के साथ ताकि आपकी चटनी जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बनाते हैं अपनी रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, नीचे सब्सक्राइब का बटन और बेल नोटिफिकेशन ऑल को अनेबल कर लीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बनाते हैं अपनी फटाफट से अनियन टमाटो की चटनी। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्मार्टनेस यूज करेंगे। पहले मैं आपको टमाटर की जो चटनी हम बनाएंगे वो थोड़ी सी पहले उसको बनाएंगे हाफ, फिर इन बिटवीन जब हमारा मिक्सर ठंडा हो जाएगा इन बिटवीन हम बनाएंगे अपनी कोकोनट की चटनी, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। आप कोई भी ले सकते हो ब्रांड का, कोई भी फ्रेग्रेंस का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें मैं डालूंगी फ्रेंड्स इस तरह से, ये जो हमारी चने की दाल आती है, ठीक है, ये देखिए इसको मैंने अच्छे से धो लिया था, ठीक है। ये मैं डालूंगी 1 स्पून चने की दाल, इसको हल्का सा रोस्ट करके हम अलग से कढ़ाई में निकालेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स चटनी आपको आती होगी, मतलब आई एम श्योर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बट बहुत सारे मतलब क्या होता है छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो कई बार हमें मतलब लगता है ना कि जैसे मार्केट जैसे हमारा टेस्ट नहीं आ रहा, या हमारी चटनी की जो प्रेजेंटेशन है वो वैसी नहीं बनी, लुक वैसा नहीं आया और उसमें बाइंडिंग वैसी नहीं आई। आज हम बात करेंगे उन छोटे छोटे टिप्स के बारे में, ठीक है। बस हल्का सा रोस्ट करना है फ्रेंड्स इसको। इसको कढ़ाई में डालने से पहले फ्रेंड्स चने की दाल को अपनी वॉश जरूर कर लेना अच्छे से। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा हमें रोस्ट नहीं करना, बस हल्का सा, ठीक है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ अपनी ऐसे कटोरी में। ऑयल को नहीं निकालेंगे हम, चने की दाल को निकालेंगे, ये देखिए, ठीक है। इसको कर देते हैं साइड पे। अब मैं डालूंगी इसमें फ्रेंड्स 3 लहसुन की डली, 1 प्याज बड़ा चॉप किया हुआ, मोटा मोटा करा फ्रेंड्स मैंने, बहुत ज्यादा बारीकी हमें जरूरत नहीं है, और इस तरह से ड्राई रेड चिली। इसको फ्रेंड्स हम तब तक सॉटे करेंगे जब तक ये हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर की चटनी बनाने के फ्रेंड्स बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग क्या करते हैं जैसे प्याज लहसुन लाल मिर्च और टमाटर भी साथ ही डाल देते हैं, और बीच में डाल देते हैं पानी, और उसको 5 से 10 मिनट के लिए सिम गैस पे लिड लगाकर रख देते हैं। वो भी एक ऑप्शन है, वैसे भी आप बना सकते हो, लेकिन उसमें क्या जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, उससे क्या छोटी छोटी चीजों से हमारी जो रेसिपीज में थोड़े थोड़े वेरिएशन आते हैं, लेकिन आज हम वैसी वाली नहीं बनाएंगे चटनी। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ जो है ऑलमोस्ट हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा उनको ब्राउन नहीं करना, बस यहाँ तक। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर। इसमें मैंने फ्रेंड्स 2 टमाटर लिए हैं, ऐसे मोटे मोटे काट लिए हैं, ठीक है। इसको भी हम अच्छे से सॉटे करेंगे जब तक कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें 1 टीस्पून मैं डालूंगी सॉल्ट। नमक डालने से क्या होगा, टमाटर पानी छोड़ देगा और वो जल्दी गल जाएंगे। इसको अच्छे से 5 मिनट तक सिम गैस पे हम ऐसे ही लाते रहेंगे जब तक कि टमाटर जो है, क्योंकि प्याज जो है फ्रेंड्स हमने वो तो सॉफ्ट ही होते हैं, बस हल्का सा हमको उसको सॉटे करना है, लेकिन टमाटर को अच्छे से गलाना है फ्रेंड्स, और जब तक कि अच्छे से मैश ही नहीं हो जाते, सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक हम इसको सिम गैस पे सॉटे करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स 80% हो चुके हैं सॉफ्ट, थोड़े से और रहते हैं। अभी चटनी एक ऐसी चीज है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मतलब हमारे इंडियन खाने में मतलब जैसे कहते हैं ना एक स्टेपल फूड है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम आपको भी याद होगा, आप भी जब छोटे हो गए, मतलब मेरी तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, मुझे याद है कि मैं जब भी नानी हाउस जाती थी, नानी के मेरे अमृतसर में है, तो वो क्या होता था मतलब मेरे नाना जी जो है हमेशा मतलब बिना चटनी के वो खाना ही नहीं खाते थे। प्याज की चटनी हो गई, टमाटर की चटनी हो गई, या लहसुन की चटनी हो गई। तब उस टाइम तो फ्रेंड्स ये डोसे वगैरह इतने होते भी नहीं थे, ऐसे कोकोनट की चटनी और इस तरह की चटनी तो होती भी नहीं थी, जैसे आजकल तो बहुत ज्यादा शेजवान चटनी और पता नहीं क्या क्या चल पड़ा है। तो मुझे याद है वो मतलब नानी को सबसे पहले यही
पूछते थे कि चटनी क्या बनाई आज, तो जब तक चटनी नहीं है धनिया पुदीने की, हरी मिर्च नहीं है, प्याज नहीं है, तो उसके बिना वो खाना ही नहीं खाते थे। तो चटनी का मुझे लगता है कि हमारे इंडियंस के साथ मतलब एक बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, हमारे आत्मा में बस चुकी हुई है ये। अब इस स्टेज पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। ये देखिए प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो गए और टमाटर भी हमारे मैशी हो गए, ठीक है। और तब तक हम अपनी तैयारी करते हैं अपनी कोकोनट चटनी की। मीनवाइल ये हमारा जो मिक्सचर है काफी हद तक ठंडा हो जाएगा। अब बनाते हैं अपनी फटाफट से कोकोनट की चटनी। वैसे तो फ्रेंड्स आजकल कोकोनट की चटनी में बहुत सारी वेरिएशंस आ गए हैं, जैसे सिंपल कोकोनट चटनी जो ऑथेंटिकली मतलब शुरू से ही चलती आ रही है, जिसमें हम कोई धनिया या कोई भी पुदीना नहीं यूज करते। नहीं तो आजकल क्या है, मिंट कोकोनट चटनी आ गई है, धनिया कोकोनट चटनी आ गई है, और मैंने पीछे सुना था मतलब उसमें आप क्या नाम है, शेजवान की कोकोनट चटनी आ गई है। तो बहुत सारी वेरिएशंस है, लेकिन आज हम जो ऑथेंटिकली मतलब जो शुरू से चलती आ रही है वो सिंपल वाली कोकोनट चटनी सीखेंगे, और उसमें कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आपको जो मतलब आपका जो टेस्ट है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने एक मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है, या तो आप कोई भी न्यूट्री ब्लेंडर कोई भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको ब्लेंडर वही लेना है जिसमें बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बन जाए। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने लिया है फ्रेश कोकोनट, ये देखिए इस तरह से हमें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। आप इसमें ब्राउन वाला हिस्सा भी रहने दे सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो इसको निकाल भी सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम डालेंगे इसको अपने ब्लेंडर में। बहुत से लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये तो फ्रेश कोकोनट है, डेजिग्नेटेड कोकोनट भी यूज करते हैं, यानी कि जो सूखा नारियल होता है जिसे हम सूखा बुरादा भी बोलते हैं। होता क्या है उससे भी बन जाती है, पर डिफरेंस क्या होता है, जैसे फ्रेश कोकोनट है फ्रेंड्स इसमें मॉइस्चर होता है, फ्रेश है क्योंकि इसके अंदर पानी होता है, तो इसकी चटनी जो है बहुत ज्यादा अच्छी बनती है, मतलब जो टेस्ट आता है फ्लेवर्स आते हैं वो इसी में आते हैं। लेकिन जो सूखा बुरादा होता है कई बार जैसे मैंने भी बनाई है तो वो टेस्ट नहीं आता उसमें, बिकॉज एक तो उसमें प्रेजेंट मॉइस्चर नहीं है उसमें, तो और प्लस हम जितना मर्जी कोशिश करें कि उसमें नारियल पानी डालें वो टेस्ट नहीं आता है। ये है कि उसके लिए फिर वो अलग चीज है, मैं आपको कभी फिर बताऊंगी कि उसमें बहुत सारी चीजें डलती हैं, फिर वो जाके कहीं हमारी चटनी जो है बहुत ज्यादा मतलब इस रेंज तक आती है, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे इससे सिर्फ फ्रेश वाली कोकोनट से। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें मैं डालूंगी 2 लहसुन की डली, ये देखिए थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, और जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते वो इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक थोड़ा सा फ्लेवर इनहांस करने के लिए। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अदरक, 2 हरी मिर्च तीखेपन के लिए, आप ज्यादा भी डाल सकते हो। ये फ्रेंड्स चने की दाल जो मैंने प्याज टमाटर की चटनी में रोस्ट करी थी ना चने की दाल, ये देखिए ये वही है, इसको भी डालेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं फ्रेंड्स, ये चने की दाल हम क्यों डालते हैं। रीजन ये है फ्रेंड्स कि जैसे अगर आप कभी भी देखना कि कई बार जैसे मैंने भी बहुत जब शुरू शुरू में कुकिंग सीखी थी तो क्या होता था कि मैं ऐसे ही नारियल की चटनी बना देती थी कि हरी मिर्च डाली, चलो जीरा नमक डाला और चलो जी हो गई। तो होता क्या है, नारियल में मतलब आपने देखा होगा धागे धागे से होते हैं, उसमें बाइंडिंग देने के लिए हमें चने की दाल डालनी पड़ती है। आइदर आप चने की दाल डालें या जैसे बाजार में सूखे चने होते हैं ना वो भी आप डाल सकते हो, सिर्फ एक इसको बाइंडिंग देने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास घर में रोस्टेड चने की दाल नहीं है या वो नहीं है क्या नाम है सूखे चने नहीं है, तो आप इसमें मूंगफली भी यूज कर सकते हो। मैं इसमें आज एक चीज और यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए 4 से 5 काजू, इससे भी हमारी चटनी में जो है एक तो टेस्ट तो मोर ओवर आएगा ही आएगा अच्छा, लेकिन क्या है हमारी चटनी में बाइंडिंग आएगी, ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून सॉल्ट, ये बहुत ज्यादा सॉल्टी नहीं होती फ्रेंड्स चटनी, ठीक है। अब 2 चीजें फ्रेंड्स, अगर आपके पास अपने फ्रेश नारियल है तो इसका आपको पानी भी जरूर निकला होगा, तो आप वो पानी यूज करेंगे तो आपकी चटनी का जो टेस्ट है मतलब बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना हाई लेवल पे आउट ऑफ द वर्ल्ड डिवाइन बनेगा। और अगर आपके पास वो पानी नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर भी यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, सुबह जब अपना नारियल को तोड़ा था तो ये नारियल पानी मैंने रख लिया था, मैं वही डाल के इसकी चटनी बनाऊंगी, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से करती हूँ ब्लेंड। ब्लेंड करने से पहले फ्रेंड्स आपको हो गया, राधिका जी आप हमेशा भूल जाते हो, मैं डालूंगी इसमें 1/2 टीस्पून कर्ड। कर्ड इसलिए फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा टेंगीनेस देने के लिए, मतलब थोड़ी सी खटाई देने के लिए। आइदर आप इसमें थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हो 1/2 टीस्पून, आप इसमें दही भी डाल सकते हो जैसे मैंने अभी डाली है, या आप आधा नींबू भी डाल सकते हो। और अगर आपको हल्की सी खटास नहीं पसंद चटनी में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो रेडी है हमारी कोकोनट चटनी, ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया हमारी चटनी का। ओह माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती फ्रेंड्स जो खुशबू आ रही है ना चटनी की, टू गुड, जो इसमें बाइंडिंग हुई है ना फ्रेंड्स, बिलीव मी
मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पानी अलग हो गया, चटनी अलग हो गई। ये देखिए सीधा डिफरेंस। अगर आप इसमें चने की दाल या मूंगफली या फिर काजू नहीं डालेंगे तो क्या होगा, मतलब चटनी एक बार तो आपको लगेगा कि वो बन गई है, लेकिन 5 से 10 मिनट बाद क्या होगा, नारियल अलग हो जाएगा और पानी जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बाद में हम तड़का ऊपर से बाद में लगाएंगे दोनों चटनियों को। अब हमारी जो प्याज टमाटर जो हमारा मसाला था वो इन बिटवीन ठंडा हो गया, अब मैं उसको पीसती हूँ। सेम वही मिक्सी का जार मैंने ले लिया फ्रेंड्स। मैं अपना सारा जो प्याज टमाटर वाला मसाला था इसमें डालूंगी। एक चीज का आपको फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने प्याज टमाटर को सॉटे करा था, मतलब हम बिल्कुल उसका टेम्परेचर जो है बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे। देखो ये भी इन चीजों का भी फर्क आता है, जब बिल्कुल ही ये ठंडे हो जाएंगे तो बहुत अच्छा कलर नहीं देगा। अगर आप बिल्कुल गर्म करोगे तो खैर पॉसिबल ही नहीं है कि मिक्सी में उसको अच्छे से हम ब्लेंड कर सके। तो ठीक है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हल्का सा ये वार्म होना चाहिए। फ्रेंड्स इसमें अब वैसे तो हम सब कुछ डाल चुके हैं, नमक वगैरह सब कुछ, ठीक है, लाल मिर्च भी होगी उसको कलर देने के लिए। इसको थोड़ा सा और इसके कलर को इनहांस करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। वैसे तो ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, मतलब अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा तीखा और इतना स्पाइसी नहीं खा सकते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे क्या है थोड़ा सा कलर जो है इसका और इनहांस होगा। तो हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लेते हैं। टेंटेड है, तो रेडी है हमारी टमाटर की चटनी। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट साइज। ओ माय गॉड, जरूरी नहीं है फ्रेंड्स इसके साथ आप इडली डोसा ही खाओ, आप इसके साथ परांठा भी खा सकते हो या सिंपल रोटी। कई बार होता है ना जैसे लगता है मम्मा ने आज घर पे सब्जी जो है बहुत ज्यादा मनपसंद ही बनाई, तो आप उसके साथ भी खा सकते हो, एंड बिलीव मी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए सी कलर कितना अच्छा आया और कितनी थिकनेस आई है। एक चीज और बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, मतलब इसको आपको प्यूरी बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करना, करना है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मतलब 90% रखना है। जैसे हम नॉर्मली घर पे सब्जियां बनाते हैं वैसे बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करना। ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर देखो कितने स्मूथ है लेकिन थिकनेस कितनी है। ठीक है, अब इसको टेम्परमेंट करते हैं, यानी कि इसका तड़का बनाते हैं। तो फटाफट से फ्रेंड्स पहले हम कोकोनट चटनी की टेम्परिंग करेंगे, मतलब उसका तड़का रेडी करेंगे। इस तरह से मैंने तड़के वाला फ्रेंड्स पैन लिया है, आप कोई भी नॉर्मल छोटी कढ़ाई भी ले सकते हो या आपके पास अगर ये है तो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं डालूंगी 2 टीस्पून ऑयल। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज्यादा डालूंगी फ्रेंड्स क्योंकि कोकोनट चटनी थोड़ी सी ड्राई होती है। गैस का फ्लेम करेंगे हम स्लो, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड, जो बड़े वाले आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, साथ ही मैं डालूंगी 3 से 4 ऐसे साबुत लाल मिर्च, करी लीव्स 7 से 8 और 1 चुटकी हींग। इसको हल्के से फटाफट ऐसे करेंगे। रेडी है हमारा तड़का, इसको डालते हैं फटाफट से कोकोनट चटनी पे। ओ माय गॉड, इसको चम्मच से हम सारा निकाल लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है फ्रेंड्स, बिलीव मी। ये देखिए कितनी स्मूथनेस है, कितनी बाइंडिंग है, कहीं भी पानी अलग नहीं हुआ और कोकोनट अलग नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही हम प्याज टमाटर की चटनी को भी टेंपरिंग करते हैं। अगेन इसके लिए फ्रेंड्स मैं लूंगी 1 टीस्पून ऑयल, उसमें मैंने 2 टीस्पून लिया था, इसमें हम लेंगे 1 टीस्पून क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें ऑयल पहले भी डाला था। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए फ्रेंड्स इसमें मैं डालूंगी मस्टर्ड सीड्स, ये देखिए साथ ही डालूंगी 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी हींग। इसको फटाफट से डालते हैं अपने अनियन टमाटो की चटनी में। ये देखिए सारे वो हम निकाल देते हैं। ओ माय गॉड, सी कितनी अच्छी लग रही है हमारी चटनी। इसको हम हल्के से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सी द टेक्सचर। ये देखिए कहीं भी प्याज अलग नहीं हुए, टमाटर अलग नहीं हुए और बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट भी नहीं है जैसे हम घर पे प्यूरी बनाते हैं। ये देखिए और कलर देखिए कितना अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा और मेरी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी घर पे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बना सके। तो बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी पर, तब तक खाते रहिए, मस्त रहिए, लेकिन घर का बना हुआ हेल्दी खाते रहिए क्योंकि हम घर पे भी रेस्टोरेंट स्टाइल बना सकते हैं। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट रेसिपी पर।